वेलकम फ्रेंड्स, माय न्यू चैनल रियल ट्यूब नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि अपना नया जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करें। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए मेरे चैनल को। फ्रेंड्स, नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि कैसे अपना यूट्यूब चैनल जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करें। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें सबसे पहले अपने जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसकी सेटिंग्स में जाना हो। फ्रेंड्स, ये जो तरीका है बहुत ही ईजी तरीका है, इसमें आप किसी भी तरह का कोई कंफ्यूज नहीं होता। 2 या 4 मिनट में भी आपका जीमेल अकाउंट बनके तैयार हो जाएगा। हम यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाते हैं। सेकेंड्स में चलने के बाद में हमारे पास जो अकाउंट्स का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। जैसे कि फ्रेंड्स, ये रहा अकाउंट्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अकाउंट्स पे क्लिक करते ही हमारे सामने जो पेज खुलता है उसमें ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में हमें जैसे जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है तो गूगल पे क्लिक करना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद में ये जो मेरा पैटर्न है मैं इसे लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक पेज खुल रहा है, वो प्रोसेसिंग चल रही है। फ्रेंड्स, अब हमारे सामने ये पेज खुल गया है। इस पेज में आप देख रहे हैं जैसे इंटर योर ईमेल और फ़ोन नंबर और क्रिएट ये न्यू अकाउंट। तो फ्रेंड्स, हमें अपना न्यू क्रिएट अकाउंट बनाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पहले से कोई जीमेल अकाउंट है तो आप यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डाल के सर्च कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अपने मोबाइल नंबर को नया जीमेल अकाउंट कैसे बनाए। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमें फर्स्ट नाम पूछेगा। जैसे मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम दे देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अपने जो डिटेल्स है वो भर दिया है। उसके बाद में फ्रेंड्स, अगला जो ऑप्शन होगा वो होगा डेट ऑफ बर्थ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें अपने डेट ऑफ बर्थ चुन लेनी है और ईयर कर लेनी है। ईयर के बाद में जो सेकंड ऑप्शन है वो जेंडर का है, तो मैं यहाँ पे मेल हूँ तो मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद में हमें यूज़र आईडी पूछेगा। फ्रेंड्स, यूज़र आईडी में हम अपनी यूज़र आईडी खुद की लिख सकते हैं या फिर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यूज योर फ़ोन नंबर इंस्टेड, या फ़ोन नंबर भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना कुछ नेम रख देता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने अपना नेम रख दिया। फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का स्पेस नहीं देना है, ये रेगुलर होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अर्जुन रख दिया, सॉरी राम बोल रहा था। फ्रेंड्स, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि इस नाम की जो जीमेल आईडी वो पहले से बन चुकी है। तो इसमें हमें कुछ ऐड करना होगा, जैसे कि मैंने 11 ऐड कर दिया। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये जीमेल आईडी बनती है कि नहीं बनती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आ गया दैट यूजर नेम इज टेकन, यानी ये पहले से ही रजिस्टर्ड है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं क्या करता हूँ आपको समझाने के लिए एक और क्लिक कर देता हूँ, यानी अब देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता। फ्रेंड्स, ये भी पहले से ही बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, क्या करते हैं इसमें 22 और ऐड कर देते हैं। आप अपने नेम में आपकी सुविधा अनुसार जो भी अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हमने ये बनाया, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें पासवर्ड डाल लें, तो पासवर्ड में कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये पासवर्ड इनपुट कर दिए और अभी मैं यहाँ पे वही पासवर्ड फिर से टाइप कर देता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने 1 से लेकर 9 तक आपको समझाने के लिए कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको अपनी पासवर्ड लगानी है आप जो याद रख सकें। फ्रेंड्स, जैसे ही मैं पासवर्ड डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें फ़ोन नंबर पूछेगा। हमें यहाँ पर फ़ोन नंबर इंटर कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर इंटर कर देता हूँ। फ़ोन नंबर इंटर करने के बाद में फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिए, जैसे कि मैं स्किप कर देता हूँ। फ्रेंड्स, आपको फ़ोन नंबर अपने इंटर करने चाहिए। इससे क्या होता है कि जब भी आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको यहाँ से मैसेज मिलेगा, उससे आप अपना अकाउंट रीओपन कर सकते हैं और पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल आपको बताने के लिए स्किप कर देता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे ही आप यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, आपके मोबाइल पर 6 डिजिट कोड आएगा OPT, उसको आपको यहाँ पे इंटर करने के बाद में आपके जीमेल आईडी तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ पे अग्री पे करता हूँ तो
तो ये मेरा अकाउंट बनके तैयार हो गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हम अपना जीमेल अकाउंट कुछ ही समय में बनकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अगला ऑप्शन हमारे पास पेमेंट का। सर जैसे कि हम अपने जीमेल आईडी पे अपना क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग सेट करना चाहें तो जिससे हम पेमेंट कर सकें तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इसमें नो थिंग्स पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा जो अकाउंट है वो बनके तैयार हो गया। अब हम इसे प्ले स्टोर में यूट्यूब चैनल बना सकते हैं इससे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, अपने मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।